क्या आप जानते हैं मनुष्य जीवन के सभी दुख उन पर चढ़े हुए ऋण के कारण होता है। वह जैसे जैसे उन ऋणों को चुकाता है उसके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। मनुष्य अपने जीवन काल में 4 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सकता है। यज्ञ के द्वारा देव ऋण चुकाया जाता है, श्राद्ध में तर्पण से, अमावस्या पर दान से और माता पिता की सेवा द्वारा पितृ ऋण चुकाया जाता है, विद्या दान के द्वारा गुरु ऋण और शिव आराधना के द्वारा भूत ऋण चुकाया जाता है। भूत ऋण के लिए बताया जाता है कि भगवान शिव संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसीलिए जीव मात्र की सेवा ही सच्ची शिव भक्ति है। हमें मन वचन तथा कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे इस संकल्प के साथ श्रद्धा पूर्वक शिव का नाम सतत जप करते रहना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से भूत ऋण से मुक्त हो पाए। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के ऋण तो मनुष्य चुका सकता है और जिसके लिए माँ संतान को वह श्रेष्ठ संस्कार, ज्ञान व साधन भी जीवन के लिए दे सकती है, पर इसमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसके दाह संस्कार में जो लकड़ियां उपयोग की जाती है वही उस पर सबसे अंतिम ऋण लोक ऋण होता है। यही ऋण लेकर हर मनुष्य गर्भ में आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मनुष्य नए जन्म में प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। तो आज मैं आपको वह युक्ति बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा माँ यह लोक ऋण भी आसानी से अपनी संतान का उतार सकती है। जी हाँ, लोक ऋण के लिए शास्त्रों में एकमात्र साधन बताया गया है प्रकृति संरक्षण। बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में अपनी आयु की दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाने चाहिए। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, इसीलिए इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में लगाना ही चाहिए। गर्भवती यह कार्य करके अपना व संतान दोनों का भविष्य संवार सकती है। देखिए, पेड़ लगाने के और भी अनेक फायदे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हम माता पिता की आयु तो फिर भी सीमित होती है, परंतु वह वृक्ष जब तक धरती पर रहता है तब तक वह आपके पूरे परिवार को दुआएं देते हैं, आपके हित के लिए प्रार्थना करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को मेरी यह बात पसंद आई होगी, वे पेड़ लगाना भी चाहेंगे। लेकिन होगा क्या, हम कुछ दिन सोचेंगे हम क्या करें, हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, और फिर थोड़े दिन में हम यह भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको हरियाणा में रहने वाले देवेंद्र सूरा जी के बारे में भी बताना चाहती हूँ। इन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। उनकी पूरी डिटेल पर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तथा अगर आप खुद पेड़ ना लगा पाएं तो आप इन्हें डोनेट करके 10 पेड़ ज़रूर लगवा सकते हैं। देखिए, इस तरह आसानी से माँ अपनी संतान का लोक ऋण चुकाकर संतान को जीवन में सच्चे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करवा सकती है। धन्यवाद।